राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहला जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में सभी देशवासियों को बधाई हो। और अंत में आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण जी का, ठाकुर जी का शक्तिशाली मंत्र, तो देखते रहिए। और तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं तो साधारण सा किसान का बेटा हूँ, तो जो भी अरे मैं जानता हूँ थोड़ा बड़ा शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, आज ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। तो जन्माष्टमी में पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाएं और बहुत शिक्षा भी मिलता है हमको। देखिए, हम लोग जब हमारे घर बच्चा आता है, कोई भी नया बच्चा आता है, तो कैसा लगता है, खुशी होती है। और स्वयं विश्व के पालनहार श्री कृष्ण जी भगवान, आज का जन्मदिन है तो कहना ही क्या है। और देखिए, सेव जून जो हम लोग बोलते हैं ना, कितना इस छोटे से बालक श्री कृष्ण को जेल में पैदा होते हैं, कितना कंफर्ट जोन होता है उनके लिए, कितना कंफर्ट जोन होता है। पूरा बारिश, घनघोर बारिश हो रही थी, जमुना में उफान हो रहा था उस टाइम देवकी के गर्भ से पैदा हुए श्री कृष्ण जी। उनके पिता भय था कि कहीं श्री कृष्ण जी को कंस मार ना दे। तो देखिए, हम तो यही कहते हैं कि जो विश्व के पालनहार है श्री कृष्ण भगवान को कौन मार सकता है। तो फिर भी माँ और पिताजी को तो दया होती ही है, उन्हें तुरंत उठाए और उनको ले चले गोकुल की ओर। तो जेब चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है दिन के भाई बलराम जी। देखिए, बहुत बड़ी सीख मिलती है हम लोग को, बहुत बड़ी सीख। श्री कृष्ण एक रक्षा के लिए उनके छोटे भाई शेष नाग बलराम जी उनको ऊपर से छतरी का रूप में रक्षा करते हुए, ऊपर में जैसे पानी ना पड़ जाए वासुदेव जी को, उसी तरह वो उनकी रक्षा के लिए, देखिए, उनके ऊपर में छतरी के रूप में अपने फन को रखा कर दिए कि मेरे भैया को कुछ हो ना जाए, पानी बूंदा से कुछ दिक्कत ना हो। तो देखिए, बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम लोग भाई भाई में क्या करते रहते हैं, झगड़ते हैं, छोटे छोटे बात के लिए लड़ना नहीं चाहिए। जब तक श्री कृष्ण जी रहें तब तक बलराम जी उनके साथ थे। ऐसी बात नहीं है कि वो आपस में तनबन नहीं हुआ, महाभारत के युद्ध में हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो दोनों भाई मिलकर ही काम किए और साथ रहे। तो देखिए, भगवान जी को अवतार लेना ही पड़ता है। जब अति धर्म का हानि होने लगता है, जब धरती माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, पाप सहन कुकर्म होता है, अधर्म होता है, तब श्री कृष्ण जी की उत्पत्ति होती है। भगवान को स्वयं आना पड़ता है संघार करने के लिए। तो क्या होता है कि चलिए, जन्माष्टमी है और अभी हम आपको बता रहे हैं श्री कृष्ण जी का शक्तिशाली मंत्र, उसको आप लोग देखिएगा। तो और अधिक से अधिक इसको संदेश दोस्तों भेजवाइए, क्योंकि अगर इस मंत्र को सब कोई जान लें तो क्या दिक्कत है। कलि युग में तो नाम ही सब कुछ है। अगर आप जगह नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, नाम तो ले सकते हैं ना, तो तब क्या हुआ। चलिए, अब बात आगे बताते हैं श्री कृष्ण जी को। और एक बात देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, और शिक्षा क्या मिलती है कि अपने संतान के प्रति एक माँ बाप को डर लगा रहता है कि मेरे बेटा कुछ हो ना जाए। और सबसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा हवा लग जाता है तो क्या होता है, अरे बच्चों का हवा लग गया, ठंडा लग गया। लेकिन देखिए, श्री कृष्ण जी को समझे ना, वैसे ही उठा के ले चले गए। कितना दया होता है,
हर एक माँ बाप को दिया होता है। तो ये जान लीजिए कि जब इस तरह का होता है तो हमारे माँ पिताजी भी क्या करते हैं, बचपन में कितना पालते पोसते हैं, पेशाब आप करते हैं तो उसको साफ करता है, मलमूत्र त्याग करता है। और माँ पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं तब क्या होता है, बूढ़ा हो गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, माँ कितनी मतलब 9 महीने रख कर जब आपको आप आते हैं इस पृथ्वी पर तब क्या होता है, कितना कष्ट से 9 महीना वो आपको पालती है पोसती है, फिर जब नहीं चलते हैं तब क्या होता है, आपको देख रेख करते कुछ हो ना जाए, जिस पर देवकी जी या वासुदेव जी ने उनको किया था। तो हम लोग माँ पिताजी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन है, अगर हम भी हैं आप भी हैं तो माँ पिता की माँ पिताजी की जरूरत है। जब माँ पिताजी नहीं रहेंगे तब क्या होगा, इसलिए माँ पिताजी का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, और दुनिया कुछ नहीं है इसलिए। और अब आइए आपको बताते हैं कि शक्तिशाली मंत्र कृष्ण का क्या था। तो आज इसको आप लोग जप कीजिए और इसको उच्चारण कीजिए, और आज श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, खूब भजन कीर्तन कीजिए, क्योंकि भगवान तो नाम से खुश होते हैं, उनको कुछ चाहे कुछ नहीं होता है, कुछ भोग लगाए खुश नहीं होते हैं, लेकिन प्रेम से अगर नाम ले लेना तो वही सबसे अच्छा होता है। तो आइए बताते हैं इस मंत्र शक्तिशाली मंत्र है कृष्ण जी का, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये।